ओके सो प्रशांत, फर्स्ट लेट मी कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सिलेक्शन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिहार पब्लिक सर्विस मिशन. थैंक यू सर। एंड आई मस्ट ऑल्सो थैंक यू प्रशांत फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरेक्शन. एंड दिस इंटरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रशांत, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. जो आपको सुनेंगे उनको काफी बेनिफिट होगा. तो आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं प्रशांत, आप कहाँ से हैं और आपका कैरियर जर्नी कैसा था? सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक खगड़िया करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ठाठा नाम का एक कस्बा है सर। बेसिकली मैं ठाठा का रहने वाला हूँ और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो बिहार गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी अप टू इंटरमीडिएट। और उसके बाद सर मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग है बीटेक वो मैंने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू से कंप्लीट किया था। एंड देन आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माई एम टेक एंड PhD फ्रॉम NIT इलाहाबाद सर। और ड्यूरिंग पी एच डी ही मेरी मतलब मैंने BSNL ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने एग्जीक्यूटिव पोस्ट। और तो मैंने पैरेलली मतलब जॉब के साथ साथ मैंने अपनी PhD भी कंप्लीट की और करंटली आई एम वर्किंग इन BSNL सर। तो आप एज अ किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं प्रशांत, बीएसएनएल में? सर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर सर, कितना टाइम हो गया वहां पे आपको? लगभग 4 साल हो गया। आई हैव कंप्लीटेड माय अच्छा 4 इयर्स। अच्छा वंडरफुल. और आपने मास्टर्स कब जैसे की मास्टर सर मैंने 15 में किया था NIT इलाहाबाद से। थी? तो उसके बाद से यस फिर सर। उसके जॉब बाद नहीं, उसके जस्ट बाद मैंने मतलब PhD इनरोल हो गया था। और जो PhD का जो बेसिक कंडीशन होता है जो वहां से कंप्लीट करने के लिए, ताकि मैं अपना क्या कहते हैं बाहर से भी कर सकूं विथ जॉब, तो वो मैंने वहाँ कंप्लीट किया, कोर्स वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद जो कंप्रेहेंसिव एग्जामिनेशन होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ कंप्लीट करके फिर मैंने BSNL ज्वाइन किया था। अच्छा, तो तो आपका प्रशांत पीएचडी भी मतलब कंप्लीट हो जाएगा? मेरा हो चुका है सर, मेरा इनके नोटिफिकेशन से पहले मेरा PhD कंप्लीट हो गया था इन 2020। ओके वंडरफुल. तो प्रशांत, आपका ये जो जॉब अभी लगा है असिस्टेंट प्रोफेसर, इससे पीएचडी वाले जो लोगों ने पीएचडी कंप्लीट कर लिए उनको क्या बेनिफिट होगा? सर PhD को इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है, और पहले तो एक मतलब सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि इसमें PhD को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला हुआ है। और दूसरा यह है कि अगर PhD है तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है अपने वर्क को ज़्यादा अच्छा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो आपको बाद में तो ऑब्वियसली प्रमोशन वगैरह में इसका बेनिफिट रहेगा. यस सर, प्रमोशंस में भी बेनिफिट होगा। और ये होगा कि अगर आप अगर सपोज BS मतलब वो अगर वहाँ पे अलाउ करते हैं कि आप PhD कराने का, तो वो एक बेनिफिट हमेशा रहेगा सर। अभी तो पता नहीं है मुझे कि वहाँ वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं इनिशियली, तो वो जाके देखना पड़ेगा सर। ओके ओके प्रशांत, नाउ आई एम कमिंग टू योर इंटरव्यू पार्ट. प्रशांत, आप हमारे साथ जरा डिस्कस करें डिटेल में कि इंटरव्यू किस तरीके से गया था आपका, क्योंकि आप एक जॉब भी कर रहे थे तो उनको पता भी होगा शायद जॉब कर रहे हैं, यस तो किस तरह सर। के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे आपसे? बेसिकली फिर मैं पहले ये बता दूं कि इंटरव्यू में मुझे आउट मतलब 13 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 15। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था बेसिक, जैसे उन्होंने देखा कि आई एम वर्किंग इन BSNL, तो उन्होंने मतलब और भी 4 साल से, तो उनका पहला ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि तुम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में तुम्हारी डिग्री है, तुमने मास्टर किया है, और तुम सेम कंपनी में जो जिस कंपनी में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क होते हैं उसमें जॉब कर रहे हो, तो फिर तुम टीचिंग क्यों आना चाहते हो, जो उनका पहला क्वेश्चन था जो जो चेयरमैन ने पूछा था। तो मैंने उनको मतलब पूरा डिटेल में ये बताया कि सर मतलब मेरा पहले इवन अपने बीटेक के बाद से मेरा टीचिंग की तरफ झुकाव था। मैंने बीटेक के बाद मेरे मुझे प्राइवेट कंपनी में ऑफर मिला था, लेकिन मैंने एमटेक ज्वाइन किया क्योंकि मुझे टीचिंग करना था, और उसके जस्ट बाद मैंने PhD ज्वाइन किया। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर कि जो आप जिस स्टूडेंट को आप टारगेट कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल इंडस्ट्री में काम करता है, तो समहाउ एक टीचर को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए था। तो जब इसलिए मैंने जब मुझे लगा कि मैं PhD मतलब तो काम के साथ भी PhD अपना कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैंने बीटेक सॉरी इसलिए मैंने BSNL ज्वाइन किया तो somehow वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो गए थे कि क्योंकि मेरा जो सीक्वेंस भी रहा है सेम तरीके से रहा है। और तो फिर उनका नेक्स्ट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया उनको। फिर उनके बाद जो चेयरमैन थे उन्होंने बेसिक एक क्वेश्चन स्टार्ट किया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो मैंने एक उन्होंने पूछा, तो मैंने बेसिक सा जो 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 नॉर्मल लोग यूज करते हैं कि एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन,
तो उन्होंने बोला कि ये तो सर किसी को पता है, मैं मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे कैसे बताओगे, मुझे बताओ पढ़ाना है। तो मैंने उनको फिर बताया कि सर जैसे कि हम लोग सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जब हम बात करते हैं तो एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, और हमारा जो अब हम नजदीक बैठे हुए तो हमारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर हो रहा है। यही अगर हमारा डिस्टेंस थोड़ा अलग अलग हो जाए तो ये क्या होता है कि, उन्होंने बोला मुझे डिटेल में बताओ कि अगर मुझे समझाना कैसे समझाओगे। मैंने बोला कि अगर आप हम लोग थोड़ा डिस्टेंस पे बैठे तो हो सकता है कि जो हमारे आपस में वॉइस है वो एक एक दूसरे को इंटरफेयर करेगा, जिसके कारण कि वो नॉइज बन जाएगा और हो सकता है कि इंफॉर्मेशन हमें ना मिल पाए। तो इसलिए हमने फिर उनको बताया कि इसलिए हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, और मॉड्यूलेशन करने के कारण क्या क्या हो सकता है और इससे कैसे हम एरर फ्री ट्रांसमिशन करते। तो उन्होंने मतलब समहाउ वो सेटिस्फाई हो गए थे। तो और तो उसी के साथ तो एक आईआईटी पटना के प्रोफेसर बैठे हुए थे, उन्होंने फिर स्टार्ट किया कि फिर व्हाट इज मॉड्यूलेशन, उस पे क्वेश्चंस आ गया, फिर व्हाट इज मॉड्यूलेशन, और फिर मैंने उसका नीड क्या है मॉड्यूलेशन का। तो मैंने नीड बताया कि एरर फ्री इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, या फिर किसी या हमको एंटीना लेंथ, क्योंकि जो हमारा एंटीना लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा होती है, और हम जिस फ्रिक्वेंसी पे बात करते हैं वो किलो हर्ट्ज पे होता है, तो इसके लिए मुझे किलोमीटर में एंटीना की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने बोला सपोज करो आई आई हैव वन एंटीना जिसकी की लेंथ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है, फिर कैसे, फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, फिर तो मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बोला फिर भी पड़ेगी सर, क्योंकि अगर आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है तो आप, क्योंकि सर वी ऑल आर जनरेटिंग द सेम फ्रिक्वेंसी, सो फिर से वो इंटरफेयर करेगा, तो मुझे उसके लिए मॉड्यूलेशन चाहिए। तो मैंने उनको पूरा डेप्थ में जितना हो सकता है उनको समझा दिया, तो वो फिर मतलब सेटिस्फाइड थे कि चलो ठीक है। तो एक प्रोफेसर है आईआईटी रुड़की के, वो भी मेरे पैनल में थे, एस दास गुप्ता, प्रोफेसर एस दास गुप्ता है, मुझे नाम नहीं याद है, नामी प्रोफेसर है सीमोस में। तो उन्होंने फिर मुझसे नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, बट किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उनको रेंडमली उन्होंने नेटवर्किंग से पूछा, तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया। फिर एक और मैम बैठी थी आयसन धनबाद की, तो उन्होंने फिर मुझसे क्या कहते हैं ये कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन थ्योरी से क्वेश्चन पूछा, और एक सैनन फेनो इक्वेशन होता है उनको लिखने के लिए बोला और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला। और तो उस संजोग उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज तुम आप ब्लैक बोर्ड पे जाके बताओ। तो थोड़ा मेरे लिए ब्लैक बोर्ड, क्योंकि सर जब एनआईटी इलाहाबाद में थे तो कई बार मुझे मतलब लैब वगैरह लेता था मैं, और हमेशा इंटरेक्ट करता था बोर्ड पे, हमेशा बच्चों को बताता रहता था, तो मुझे मतलब काफी फैमिलियर होता है जब भी मुझे ब्लैक बोर्ड पे भेजा जाता था। तो बोर्ड पे जाके मैंने पूरा उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द बैंडविड्थ एंड एसएनआर। तो मुझे मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं था कि ऐसा कोई रिलेशन होता है कि डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ एंड एसएनआर, पावर के टर्म्स में हो सकता है, नॉइज के टर्म्स में हो सकता है, बट एसएनआर के टर्म्स में। मैंने मैम को बोला कि मैम मैंने मतलब ऐसा कभी देखा नहीं है, बट या देखा भी हो तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो फिर सर बीएसएनएल पे आ गए, क्योंकि वन जो हम लोग 4G 5G वगैरह वगैरह, तो एक सर थे वो भी आईआईटी से ही थे, उन्होंने मुझसे मतलब 1G 2G 3G 4G 5G के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, किस फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है, वो पूरा उन्होंने डिटेल में पूछा। तो संजोगवश की मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा था कि जो रिलायंस है उन्होंने 700 MHz बैंड खरीदा है फॉर पैन इंडिया एक्सपेंशन। तो मैंने उसमें जब 5G का बैंड बोल रहा था तो मैंने 700 MHz भी बोल दिया, तो शायद सर को पता ना हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं 5G तो चलेगा ही नहीं 700 MHz में, तो बहुत छोटा बैंड भी तो प्रोवाइड करता है। तो फिर मैंने बोला कि सर मतलब हाईएस्ट बिडिंग रिलायंस ने इसी के लिए किया है, और फिर भी वो मतलब फिर उन्होंने पूछा क्या रीजन है आखिर, अगर वो 700 पहले तो ये है नहीं, लेकिन है तो तुम क्या सोचते हो क्या रीजन होगा इसका। तो मैंने उनको बोला कि सर जैसे कि अगर हम हायर बैंडविड्थ में जाएंगे तो सिटी में, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो चलिए ठीक है कि हम, क्योंकि हायर बैंडविड्थ का मतलब, हायर बैंड का मतलब है कि हमको हर एक 200 या 300 मीटर पे हमको टावर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर पैन इंडिया एक्सपेंशन करना है, अगर मुझे किसी विलेज में लगाना है वहां पर अगर 200 300 मीटर पे अगर हमको टावर लगाना पड़े तो इकोनॉमिकली किसी के लिए भी मतलब अफोर्डेबल नहीं होगा, चाहे रिलायंस हो या कोई भी कंपनी हो। तो मे बी दैट कुड बी द पार्टिकुलर रीजन कि उन्होंने 700 100 MHz बैंडविड्थ लिया है फॉर पैन इंडिया एक्सपेंशन, सिटी के लिए नहीं लिया है,
वो मतलब सेटिस्फाइड तो नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने चलो मेरे मतलब आंसर से उन्होंने मतलब वो मान गए कि चलो ठीक है। फिर मुझे सर फिर से बोर्ड पे भेजा गया कि एक डिकेट काउंटर जाके ड्रॉ कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो मुझे लगा कि ये मतलब अच्छा मौका है कि हम अगर इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो, क्योंकि वो मुझे पता था और मुझे लगा कि हमें इसको मतलब इसको मैं वहां पे एक चीज जो मुझे लगा कि जिसके कारण मुझे उन्होंने अच्छा मार्क्स दिया है कि मैं सिर्फ जाके बनाऊंगा नहीं, मैं इसको जाके एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जैसे टीचर को होता है ना कि जैसे उसको टिकट काउंटर अगर स्टूडेंट को समझाना है तो मैं जाते ही सबसे पहले टिकट काउंटर क्या होता है, वी हैव टू काउंट फ्रॉम 0 to 9 एंड आफ्टर 9 फिर अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 0। तो नाउ फॉर दैट वी हैव टू डिजाइन वन सर्किट। तो ऐसे करके मैं बोलने लगा, ब्लैक बोर्ड पे जाके 0 to 9 लिखा, मैं अभी सर्किट नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद मैं उसको उन्होंने एसिंक्रोनस वर्ड यूज किया था कि एसिंक्रोनस काउंटर यूज करना है। फिर मैं जाके वहां पे पहले एसिंक्रोनस उनको समझाने लगा कि इसको एसिंक्रोनस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सारे फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं क्लॉक के साथ, फर्स्ट फर्स्ट सिर्फ सिंक्रोनाइज होता है इसलिए एसिंक्रोनस कहते हैं। फिर मैंने उनका फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ किया जो सर्किट होता है। फिर मैंने सर्किट में भी सर कौन सा इनपुट सिंक्रोनस इनपुट है, कौन सा इनपुट एसिंक्रोनस इनपुट है, मतलब पूरा एक्सप्लेन करते हुए गया और पूरा बनाने लगा। तो वो पूरा बनाने नहीं दिए, बोले बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके नाउ वी हैव टू डिजाइन द 2 to 9 काउंटर। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि चेंज कर देते हैं देखते हैं। तो पहले वाले में क्या था, क्लियर ही सिर्फ यूज होता था, अब सेकेंड वाला में एक प्रीसेट भी यूज होता है। तो मैंने बोला सर इसमें भी 9 के बाद 2 जाना है तो इसके लिए एक प्रीसेट यूज करना पड़ेगा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप पे। तो फिर उन्होंने बोला ओके ओके, मैं उन्होंने डिजाइन करने नहीं दिया, बोला ठीक है हो गया। और उसके बाद फिर सर कुछ और क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा और फिर मतलब वो लोग काफी सेटिस्फाइड थे, मतलब ऐसे दिख रहा था उनके चेहरे से, लग रहा था कि वो मेरे हर आंसर से वो ठीक मतलब वो है। बस एक गलती हो गया सर, मैं ब्लैक बोर्ड मिटाना भूल गया। मतलब वो होता है ना सर कि उन्होंने बुलाया तो मैं आके बैठ गया, मैं मुझे ध्यान नहीं रहा कि पीछे ब्लैक बोर्ड वो है। अच्छा तो प्रशांत, तुम्हारा लास्ट बीएसएनएल क्यों छोड़ना चाहते हो, ये बात हुई थी? हाँ सर ये हुई थी कि तो आप बीएसएनएल मतलब उन्होंने ये हुआ था कि आप बीएसएनएल छोड़ना क्यों चाहते हो। तो मैंने उनको ये बताया कि सर मेरा स्टार्टिंग से ये था कि जो मुझे टीचिंग ही करना है, मेरे बीएसएनएल सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है खास करके, ताकि मैं अगर मैं कल टीचिंग में जाऊं तो मैं बता सकूं अपने स्टूडेंट को कि क्या एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या है वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो मैंने उनको यही बताया और संजोगवश मेरा सीक्वेंस भी सेम रहा है सर, मतलब पीएचडी एमटेक फिर बीएसएनएल। और मेरे रिसर्च वर्क वगैरह भी उन्होंने बोला कि सर मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इवन बीएसएनएल में जाके, भी मेरे पब्लिकेशंस हैं मतलब पैरेलली मेरे मतलब वो भी अच्छे जर्नल्स में है। तो समहाउ सर वो काफी मतलब सेटिस्फाइड थे। और खास करके मुझे जो मैं बोर्ड पे बताया ना सर, मुझे लगा कि वहीं पे उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिया जैसे वो एक्सप्लेन किया बोर्ड पे। तो वो था सर, जैसे थोड़ी बहुत कहीं कहीं गलती भी हुई, जैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे जहाँ पे मैंने बोल दिया डायरेक्टली कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उन्होंने अगर मार्क्स दिया है तो सिर्फ पढ़ाने के जो मेरा स्टाइल था, या उन्होंने देखा कि मतलब ये सिर्फ जाके बनाया नहीं है बोर्ड पे, तो दैट कुड बी द पर्टिकुलर रीजन कि सर उन्होंने मतलब मार्क्स दिया है। तो ओके प्रशांत, नाउ लेट मी आस्क यू प्रशांत, जैसे अभी ये आपका अभी हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो ये जो आपने बीएसएनएल में जॉब किया है, इसका आपको क्या बेनिफिट होगा एज अ टीचर? सर एज ए टीचर तो मतलब दो दो रीजन है सर, एक तो एकेडमिक वाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज। एकेडमिक वाइज तो ये है कि जो मैंने नॉलेज गेन किया है ताकि मैं बच्चों को वो यहाँ पे भी जैसे, क्योंकि एक तो है कि कम्युनिकेशन की आपकी फील्ड है यहाँ पे, जहाँ पे कि रियल टाइम वर्क होता है, तो यहाँ से कि बैक एंड पे कैसे होता है वो तो एक तो हुआ एकेडमिक वाइज सर जो कि मैं बच्चों को दे सकता हूँ। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज ये है कि ये मुझे एक्सपीरियंस एड ऑन हो सकता है कि अगर कल कुछ ऐसा पोस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव तो वो मुझे अदर के तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मतलब मैनेजमेंट लेवल पे मुझे वर्क का एक्सपीरियंस है, तो वो एक फायदा करेगा सर। ये है सर। सो अभी आपका मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग तो नहीं आया प्रशांत? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं आया है, मे बी अभी अपकमिंग मतलब वीक में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं जैसा कि लोग बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो लेक्चरर वाले हैं उनका इंटरव्यू, उन लोगों ने 80 लोगों का इंटरव्यू उन्होंने रोका है,
जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई किए हैं, तो उनका यही है कि पहले मेरे ज्वाइनिंग करा देंगे, जो बच्चे शायद ज्वाइन नहीं करेंगे या जो कहेंगे कि मुझे लेक्चरर का भी इंटरव्यू देना है, अच्छा तो उसके बाद उनका इंटरव्यू कराएंगे, तो शायद उनको, क्योंकि बीपीएससी का एक डेडलाइन है हर एक चीज का कि आपका रिजल्ट इस डेट को पब्लिश करना है लेक्चरर का, तो अब अगर इसको उस डेडलाइन को मीट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हो सकता है कि हम लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी करा दें रिस्पेक्ट अदर के रिस्पेक्ट में। प्रशांत, ये अभी जैसे आपने अपना बीएसएनएल की जॉब के साथ साथ पीएचडी भी कंप्लीट किया और सब कुछ किया, तो ये मैनेज कैसे किया? क्योंकि नॉर्मली या तो लोग जॉब में चले जाते हैं, पीएचडी छोड़ देते हैं। हाँ, ये मतलब ये मेरे लिए बहुत, मतलब स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब मैं पीएचडी मतलब छोड़ के मैं बीएसएनएल ज्वाइन कर रहा था, तो इवन मेरे गाइड ने बहुत मना किया था कि शायद मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था बीएसएनएल के बारे में और खास करके इसके वर्क कल्चर के बारे में, तो उन्होंने काफी मना किया कि मत जाओ, तुम्हारे अच्छे पब्लिकेशंस आ रहे हैं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम यही कंटिन्यू करो। और लेकिन उन्होंने देखा है कि संभव, मतलब मुझे ये लगा था कि चलो इसी बहाने में कल ट्रांसफर होकर मैं घर के पास चला जाऊंगा, तो लेकिन उन लोगों ने मना किया कि बाद में जो है प्रॉब्लम होगा। और सच में सर, जब मैंने उस समय तो सर का बात नहीं माना, लेकिन जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे लिए ये, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट वर्क कल्चर है, आपको फील्ड एरिया में वर्क करना है, आपको मतलब आपका माइंडसेट चेंज करना उस डायरेक्शन में बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब यहाँ शाम को आप जाइए मतलब रूम पे और आप फिर से रिसर्च वर्क करने लगे, पढ़ने लगे, तो बहुत प्रॉब्लम तो हो रहा था सर। तो संभव मैंने टाइम निकाला, मेरा जो पीएचडी का थोड़ा सा ड्यूरेशन इस वजह से बढ़ भी गया, लेकिन फिर भी मतलब जो भी मुझे टाइम मिलता था 2 से 3 घंटा या मॉर्निंग में, खास करके मॉर्निंग में मैंने मतलब फिक्स कर लिया था कि 2-3 घंटा मुझे रिसर्च वर्क करना ही करना है। और इवन जब मेरा रिटर्न एग्जामिनेशन था इसके लिए सर, तो रिटर्न एग्जामिनेशन में ये हुआ कि उसमें फ्लड आ गया मतलब असम, क्योंकि करंटली आई एम वर्किंग इन असम, उस समय असम में फ्लड आ गया, तो अब मैं रिटर्न के लिए मतलब मेरे पास मैं तैयारी ही नहीं कर पाया रिटर्न का, तो जिसके कारण से कि मेरा रिटर्न में उतना मार्क्स नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे मतलब 34-35 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मेरा हो ही नहीं पाया उस समय प्रिपरेशन, तो घाटा तो हुआ है सर कि मतलब जॉब के साथ तैयारी का एक एक हमेशा ड्रॉबैक तो रहता है, लेकिन ये भी रहता है कि चले एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि उतना डर नहीं लगता है, कि आपके पास लूज करने के लिए भी होता है, जैसे बहुतों के पास होता है कि नहीं होगा तो एक 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 वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं, तो शायद वो प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, जिसके कारण कि मैं इंटरव्यू में भी ठीक रहा। और खास करके मेरे लिए सर ये है कि मैं कंटिन्यूसली इंटरव्यू दे रहा हूँ, NIT का या फिर IIIT के, इसके इंटरव्यू में लगातार दे रहा हूँ, तो एक एक्सपीरियंस था कि सर मतलब क्या हमको वहां पे करना है, तो ये सब थोड़ा फायदा है कैसे। तो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, जॉब के साथ साथ वो करना डिफिकल्ट होता है प्रशांत, पर आपने पुल किया, आई एम वेरी श्योर इसमें आपने काफी एफर्ट मारा होगा, मैनेज किया होगा। यस सर। अच्छा प्रशांत, अब जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं आप? सर, जो मैं अभी तक के मतलब जितना भी इंटरव्यू फेस किया हूँ, एक तो ये है सर कि वो कभी आपसे मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको नहीं आता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ वो पूछेंगे। तो जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी आता है सर, नर्वसनेस और एक्स्ट्रा जो हम बैगेज लेके चलते हैं इंटरव्यू का, एक्सपेक्टेशंस और वो चीज नहीं रखना है। इवन मतलब कितना भी पूछेंगे उनके लिए वो नॉन क्वेश्चन ही होगा, तो वो पहले ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पहले वो सुना नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज है कि अगर सपोज कई बार मैंने जब NIT सिलचर का इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं पहला क्वेश्चन बहुत आसान पूछा और मैं नहीं बता पाया, जिसके कारण कि मैं अंडर प्रेशर हो गया इंटरव्यू में, और उसके बाद वो इवन जो क्वेश्चन मुझे अच्छे से आते थे मैं उसका भी सही से आंसर नहीं दे पाया था। तो मुझे ये लगता है कि आपको इवन आपका गलत हो जाए, आपको नहीं पता है, तो आपको अंडर प्रेशर तो नहीं होना, चाहे किसी भी हालत में, ये आना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका जवाब दे देंगे, और एक क्वेश्चन से कुछ नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे आपके मार्क्स में कोई वो आपको कम मार्क्स दे देंगे, ये है कि अगर आप ओवरऑल आप अच्छा करते हैं, कोई क्वेश्चन का इवन मतलब आपने बहुत सारा क्वेश्चन गलत कर दिया, किसी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर भी कर देते हैं, उसको एक आइडिया हो जाता है कि आपके में टीचिंग एबिलिटी है। और जो मुझे लगता है कि जब आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये मान के चलना है कि मुझे वहाँ पढ़ाना है, मतलब मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जैसे लगे कि मैं उनको मुझ में टीचिंग एबिलिटी है, सिर्फ ये नहीं कि मैं जानता हूँ, बस कोई भी क्वेश्चन आया उसका आंसर मैंने दे दिया, उससे तो हो सकता है कि वो ठीक है,
लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दें तो शायद आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसमें। तो मतलब आपको उस चीज पे फोकस करना चाहिए। यस सर, एटलीस्ट आपको शो तो करना ही पड़ेगा कि आप में टीचिंग एबिलिटी है, मतलब जानना एक अलग चीज है, पढ़ाना थोड़ा डिफरेंट है उससे। और वही चीज वो चेक भी कर रहे होते हैं, वो ये चेक कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मुझे मुझे यही लगा कि वो यही चीज चेक कर रहे हैं। इवन इवन कोई भी, इवन मैंने एनआईटी के लिए भी दिया है सर, उसमें भी वो यही चीज चेक करते हैं, वो बोर्ड पे भेजते हैं, वो एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। तो उनका ये रहता है कि आप मान के चलिए कि आप मुझे पढ़ा रहे हैं। सही बात है। तो आपका पीएचडी अवार्ड हो चुका है अभी प्रशांत आपको? यस सर, पीएचडी मुझे अवार्ड हो गया है। यस सर, तो बहुत अच्छा, मतलब एक तो आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है बीएसएनएल का, दूसरा आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया और आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हैं अपनी ओन होम स्टेट में। तो किस तरह का विजन है आपका अपने बारे में एज अ टीचर? सर मेरा जो ये है कि जो भी मैंने अभी तक गेन किया एक्सपीरियंस, खास करके जब मैं आईटी में जब लैब लेता था या ट्यूटोरियल लेता था, या जो अभी यहाँ पे भी मैं खास करके सर जब बच्चों को ट्रेनिंग देता था जो बीएसएनएल में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैं कोशिश करता था खास करके मेरा झुकाव हमेशा टीचिंग के लिए रहे। तो मेरा ये है सर कि जो भी मैंने आज तक गेन किया है उनको मैं अच्छे से, जो मेरा नेक्स्ट जो भी असाइन होता है वर्क, मैं वहाँ उसको यूज करके अच्छे से उनको एक मोटिवेट कर सकूँ। एक उसको साथ में ये है कि एक प्रैक्टिकल व्यू भी देता रहूँ, जैसे होता है कि कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका क्या यूज हो सकता है आगे, इंडस्ट्रियल यूज क्या है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है बच्चों का उसमें अगर आप उनको पहले से ओवरव्यू दे दें। कई बार होता है कि ट्रांजिस्टर है पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि क्या यूज है, गेन निकालना है, बैंडविड्थ निकालना है, कुछ पता नहीं चलता है उनको। लेकिन अगर उनको एक पता होगा जैसे कि मुझे इसका ऑडियो एम्पलीफिकेशन में यूज होगा, किस स्टेज पे यूज होगा, कैसे होगा, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर उनके साथ शेयर करते जाइए तो वो ज्यादा उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये है सर, साथ में ये है कि हाँ, साथ में एक मुझे रिसर्च वर्क कंटिन्यू करना है सर, जो कि मेरा अभी कुछ दिन से होल्ड पे है। तो मैं चाहूंगा कि रिसर्च वर्क या मुझे पीडीएफ करने का आगे मौका मिलता है तो मैं वो भी करना चाहूंगा सर। Okay, that's wonderful. चलो प्रशांत, it was a great interaction session with you and आपने जितना input दिया है बहुत डिटेल में आपने बताया है, मतलब आपने टाइम निकाल के इतनी डिटेल में बच्चों को बताया and I'm very sure जो स्टूडेंट सुनेंगे उनको इमेंस बेनिफिट होगा इससे। और आपकी अपनी लाइफ की जर्नी ही एक एग्जाम्पल है कि जब आप कोई चीज बड़ी अटेन करने लगते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम आती है, लाइफ इज नॉट दैट इजी एक्चुअली। ये आपको कई बार डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जो बाद में सही हो गलत हो। अब जो आपका डिसीजन था कि बीएसएनएल की जॉब ज्वाइन करना, पीएचडी छोड़ना, उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि नहीं मैंने पता नहीं सही लिया गलत लिया। आज अगर हम देखें तो ऐसा लगता है चलो साहब पीएचडी भी कंप्लीट हो गया, बीएसएनएल का मेरे पास हेल्दी एक एक्सपीरियंस भी है, मैं टीचिंग में उसको यूज कर सकता हूँ। तो लाइफ इज लाइक दैट ओनली प्रशांत, आपको डिसीजन लेने होते हैं और चले रहना होता है, राइट? यस यस। चलो थैंक्स अ लॉट। ओके ओके नहीं टेल मी यू आर सेइंग समथिंग एल्स। सब कभी कभी क्या होता है कि मे बी आपका जो उस समय डिसीजन ले रहे हैं हो सकता है कि गलत हो जाए, लेकिन आप उसके पास आप अगर फिर लगातार, क्योंकि मेरा कुछ दिन का जो पीरियड रहा है ना सर, मतलब एक तरह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला रहा है कि मैं बीएसएनएल में आ गया कुछ हो नहीं पा रहा है, शुरुआत में मुझे लग रहा है कि मैं टेक्निकली मैं भूल जा मतलब सब्जेक्ट को भूलता जा रहा हूँ क्योंकि कोई यूज नहीं है सब्जेक्ट का, एक तरह से मैनेजरियल जॉब है ये कम्प्लीटली। तो एक टाइम था सर, लेकिन मेरे गाइड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खास करके उस मोमेंट पे भी वो कॉल करते थे, वो बोलते थे कि लगे रहो कोई बात नहीं है, तुम में एबिलिटी है, तुम कर सकते हो। तो ये होता है सर कि कई बार आपके साथ अगर लोग होना जो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे, तो कितना भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो जाए सर, आदमी बाहर निकल ही आता है उससे। तो ये हमेशा रहता है सर कि हमेशा एक ऐसे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए जो आप मेंटर का, जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। तो यस सर, दैट्स ट्रू प्रशांत। सो लेट मी अगेन थैंक यू नाउ प्रशांत एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।